आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों, फाइनली हमारे 1000 टेक न्यूज एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वंस इन अ वाइल अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और पूरे YouTube में टेक्नोलॉजी के अंदर जो चैनल जितने भी YouTube के, सबसे पहले हमारे 1000 टेक न्यूज पूरे हो गए, जो बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, हम अक्सर जो सेलिब्रेट करते हैं हमारे रिश्तेदारों के साथ, दोस्त यारों के साथ, चलो वो तो करते ही, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता ही है मैं हमेशा से एक अलग तरीके का सेलिब्रेशन करता हूँ और आज भी हम वैसे ही करेंगे। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो आप ज़रूर से देखना, पसंद आए तो लाइक करना। और मैं बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो से, एक मोटिवेशनल और एक इंस्पिरेशन मैसेज आप सभी लोग तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही करिए। अगर आपके आसपास अगर आपको कोई भी ऐसी जगह दिखती है तो आप जाइए, अपनी खुशियों को उनके साथ बांटिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है, कोई नीचा दिखाने की बात नहीं है। आप जाइए, यही करिएगा जैसे कि मैं करता हूं। बस मैं यही वीडियो बनाता हूं ताकि आपको भी मोटिवेशन फील हो। वैसे 3 साल से दोस्तों मैं आपको टेक न्यूज़ दे रहा हूं और 3 साल में हमने 1000 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों, ऐसे में डेली आप लोगों के लिए बिना रुके अच्छी से अच्छी गर्मा गर्म टेक न्यूज लाता रहूंगा। जाते दोस्तों, जहां पर मैं आया हूं ये बहुत स्पेशल प्लेस है, ऊपर जाते हैं और आगे आपको और भी जानकारी मैं यहां पर दे देता हूं। तो यहां पर दोस्तों हम ऊपर आ चुके हैं और नीचे मैंने आपको जिनके बारे में बताया था, ये परिजता केयर सेंटर है जो नवी मुंबई के साइड में है, बेलापुर के साइड में। और आप भी अगर आसपास रहते हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। 11:30 तक का सुबह का इनका टाइम है, मतलब डेडलाइन है, और उसके पहले अगर आप आते तो अच्छा रहेगा। और इधर ही नहीं, अगर आपके आसपास भी कहीं पर भी आपको लगता है कि अच्छी चीज़ करना है आपकी लाइफ में, आपको अगर मदद करना है जिनकी, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और एक ही चीज़ मुझे अफसोस होता, जब मैंने यहाँ पर आया तो मैंने देखा लोगों को, जो ऐसा लग रहा था देखिए कि मेरे दादा दादी है या मेरे मम्मी डैडी है, और लोग पता नहीं ऐसे कैसे अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। और मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने देखा। और जब सबसे पहले जब मैंने एंटर किया और एक आए थे, उन्होंने मुझसे बात किया और उतने खुश हो गए, उनको लगा कि मुझे, उनको ऐसा लग रहा था कि कोई अपना उनका मिलने के लिए आ गया। बस मुझे उनको देख के बहुत अफसोस हुआ। और अब मैं आपको इनसे मिलाता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है ना, ये पोस्ट लो, ये ले लो। थैंक यू भाई। सबके लिए अच्छा हुआ, लोग देख रहे, पता है वीडियो पे लाखों लोग देखते हैं। अच्छा, दिन के लाखों लोग देखते हैं। अच्छा, तो आपको भी लाखों लोग देख रहे हैं। देखिएगा कौन सा चैनल पर आएगा? वो मेरा YouTube चैनल है टेक्नो रोहेस, मेरा नाम रोहेस है। अच्छा, आपको बताऊंगा। अच्छा अच्छा, आएगा ना, मैं इनको बोलूंगा आपसे शेयर करें। ओके, बताऊंगा। हाँ, ये बताएंगे सब लोग, लाखों लोग देखेंगे आपको। अच्छा अच्छा, मुझे। और इसके बाद से आपके वहाँ पर बहुत सारे लोग और भी आएंगे। Okay, okay. मैं आपको गारंटी देता हूँ। okay, okay, बहुत सारे लोग मिलने आएंगे, मुझे मिलने आएंगे बहुत सारे लोग। okay. मेरी गारंटी। आशीर्वाद है। आप ऐसे ही खुश रहो। हाँ, खुश। ठीक है। और अपने आपको कभी डिप्रेस मेंटल नहीं सोचने का, ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहने का ऐसे। अच्छा, 3 साल से इधर नहीं, आपको खुशी मिलती है ना? खुशी मिलती है, बस कोई टेंशन नहीं। अगर झगड़ा करके आया, घर में परेशान करते हैं तो कोई बात नहीं। हमारा नाम चंद्र कलावती नरसिम्हा। अच्छा, वो हमारा मिस्टर सेंट्रल सेकंदराबाद में काम करते थे। अच्छा, वो गया, इसलिए हमारा लड़का इधर थाने पे है। हाँ। दियन रघुराम। हाँ। रघुराम बोल के वो आएगा, रोज आएगा, कल भी आया, आज आएगा भी। अच्छा। बताया आपको वो लड़का शादी कर लिया? शादी हो गई। शादी हो गया लड़के का। हाँ। तो वो घर में क्यों नहीं रखते इनको? लेकिन ठीक है ना, मेडिकल इश्यू तो। हिंदी भी नहीं आता कोई बात नहीं, इंग्लिश भी नहीं आता कोई बात। अच्छा, आप ऐसे मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। अच्छा, और क्या,
बस अगर हमारा रघुराम डीएम रघुराम बजा ताने पे आए अच्छा आएगा आज शाम को आएगा मैं कोशिश करेगा आपकी बेटी से बात करने शाम को कर रहे कभी ना अभी नहीं मैं करूँगा इनसे बात कर अच्छा ठीक है डीएम रघुराम जी आप फिक्र मत करिए एक बार दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमने 1000 टेक न्यूज एपिसोड्स फाइनली कंप्लीट कर लिए और आज 1000वीं टेक न्यूज आपसे शेयर कर रहा हूं तो एकदम अलग ही लेवल पर मैं पहुंच गया हूं और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप सभी लोगों का है आपने बहुत सपोर्ट दिया है टेक न्यूज पर इतना प्यार दिया कि मैं आपसे यहां पर क्या बताऊं कहां से शुरू किया तो हम कहां तक पहुंच गए सबसे पहले 1000 न्यूज कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरा सेलिब्रेशन करने का यही एक तरीका आपने अगर मुझे पहले से फॉलो किया तो आपको पता ही हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं आप भी जाइए ऐसी जगहों पर उनको डोनेट करिए उनके साथ टाइम स्पेंड करिए वो खुश होते बस उनको और क्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए एनीवेज दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं शुरुआत करते हैं यहां पर टिकटॉक से गर्मा गर्म खबर है जी हां गर्मा गर्म खबर हम हमेशा बोलते हैं तो आज थोड़ा देरी से बोल रहे हैं और टिकटॉक यहां पर दोस्तों 1.5 बिलियन डाउनलोड माइलस्टोन अचीव कर लिया है एंड्रॉइड और ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों का आपको मैं मिला के बोल रहा हूं सेंस टावर की रिपोर्ट है मतलब 2019 में 614 मिलियन डाउनलोड्स और देखे गए पिछले साल से 6% की ग्रोथ हुई है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1.5 बिलियन में से ना 466.8 मिलियन डाउनलोड्स तो इंडिया से ही है मतलब ओवरऑल 31% का मार्केट शेयर तो इंडिया से ही जा रहा है जो बहुत बड़ी बात है इंडिया में से दोस्तों 2019 की बात करूं तो 277 मिलियन डाउनलोड्स हुए 45% पर इंडिया लीड कर रहा है अगर चाइना से और यूएस से कंपेयर करें क्योंकि सेकंड पर चाइना है 45 मिलियन और थर्ड पर यूएस है 37 मिलियन आप गैप देख लो 277 और 45 और 37 के बीच में 2019 की मैं बात कर रहा हूं लेकिन ओवरऑल दोस्तों अगर मैं टॉप मोस्ट डाउनलोडेड एप्स की बात करूं 2019 की तो व्हाट्सएप नंबर वन पर है 700 मिलियन उसके बाद फेसबुक मैसेंजर ऐप है तीसरे पर टिकटॉक है चौथे पर वापस से फेसबुक है उनका ऐप है और पांचवें पर इंस्टाग्राम है इससे इतना ही पता चलता है दोस्तों कि टिकटॉक बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और उसका सबसे बड़ा हाथ उनको आगे बढ़ाने का वो इंडिया से जा रहा है जी हां ऐसे दोस्तों लगे तो टिकटॉक बताया जा रहा है कि इंडिया में और वर्ल्ड वाइड अपनी म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप को भी जो वो लॉन्च करेगा मतलब बहुत ही बड़ी बात है कि उनका तो ऑब्वियसली वीडियो क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म तो है ही अब म्यूजिक स्ट्रीमिंग के अंदर भी वो आने वाला है जहां पर दूसरी जो कंपनी से उनको बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है टिकटॉक वाला पीछा नहीं छोड़ेगा स्मार्टफोन्स भी ला रहा है क्या क्या कर रहा है अब म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप यहां पर लेके आ रहा है अब देखते ही तो टेस्टिंग में जब आएगा तो आपको जरूर इसके बारे में बताऊंगा लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो क्रिएटर्स है टिकटॉक पर उनको अब और पैसे कमाने का यहां पर मौका मिलेगा तो एक मोनेटाइजेशन जैसा फीचर आपको टिकटॉक पर मिलेगा मतलब आप टिकटॉक के अपने बायो पर लिंक्स ऐड कर सकते हैं और शायद से जो इंस्टाग्राम पर आपको स्वाइप अप वाला जो फीचर मिलता है आप जाके शॉपिंग करते जो आप देखते हैं वो टिकटॉक पर भी आपको देखने को मिलेगा तो अच्छी बात है कि आप जो क्रिएटर्स है जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको और मौका मिलेगा पैसे कमाने का क्योंकि अब फिलहाल के लिए तो आपको ब्रांड से जो वो स्पॉन्सर करती है आप वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक की तरफ से आपको कोई फीचर्स या फैसिलिटी ऐसी नहीं मिलती जिससे आप पैसे कमा सकते हैं लेकिन अब ये भी काम में चल रहा है और आने वाले समय में टिकटॉक वाले तो खूब पैसे कमाएंगे और खूब नाक में दम करेंगे वैसे यहां पर दोस्तों मिर्जापुर फैंस जी हां ट्रिगर्ड हो जाइए क्योंकि 2020 में कंफर्म्ड हो चुका है कि मिर्जापुर का सीजन 2 यहां पर आने वाला है अब मैं ये ऑफ टॉपिक है मैं इसमें इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूं और मैं अपने आप को रोक नहीं सकता मिर्जापुर सीजन 1 तो कमाल का था और सीजन 2 आ रहा है उसका कुछ 20 सेकंड का कुछ टीजर भी आया है ऑफिशियली Amazon Prime के YouTube चैनल पर और उन्होंने कंफर्म कर दिया है हमारे ये अखानंद त्रिपाठी जो कालीन भैया है उन्होंने कुछ बोला है जो आएगा वो जाएगा और वगैरह वगैरह बस वो म्यूजिक जो आई ना एंड में गूज़बम्प्स सीरियसली वेट करते हैं 2020 में मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा तो यहां पर दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से वैसे काफी बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है और इंडिया में दोस्तों व्हाट्सएप पर ना बहुत बड़ा सिक्योरिटी इश्यू यहां पर देखा जा रहा है वैसे तो आपको पता ही होगा इसराइल की एक एनएसओ फर्म है जिन्होंने कुछ स्पाई वगैरह किया था पीगेसस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था और इंडिया में बड़े बड़े लोगों के साथ स्पाई हुआ था और व्हाट्सएप ने सू भी किया है उन फर्म्स को और बहुत कुछ अभी लफड़ा चल ही रहा है लेकिन अब जो हमारे इंडियन आर्मी है उन्होंने यहां पर अपने जो ऑफिसर्स है उनको बोल दिया कि आप फेसबुक को डीएक्टिवेट कर दो और साथ में व्हाट्सएप को भी डिलीट कर दो क्योंकि दोस्तों जहां तक हम इंडियन आर्मी की बात करें तो जब वो लोग आपस में व्हाट्सएप से एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें जो वो शेयर की जाती है और अगर उस पर स्पाई होता है तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है जी हां मतलब बहुत ज्यादा खतरे की बात है तो जो इंडियन आर्मी उन्होंने फाइनली
बोल दिया है इंडियन के आर्मी के ऑफिसर से कि आप अब अपने फोन में से फेसबुक को डिलीट कर दो और व्हाट्सएप को जो वो निकाल दो या जो भी कर दो। तो ये चीज निकल कर आई है दोस्तों, क्योंकि अब स्पाई वाला जो इश्यू है व्हाट्सएप पर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। व्हाट्सएप तक को यहां पर ये खबर नहीं था और व्हाट्सएप ने भी सू कर दिया है, तो मुझे पता नहीं हमारे साथ यहां पर क्या हो रहा होगा। तो देखते हैं दोस्तों, अब ये मुद्दा यहां तक आया है, आगे क्या होता है, इस पर कुछ क्लेरिफिकेशन होती है मैं आपको जरूर इस पर अपडेट करूंगा। तो यहां पर दोस्तों रियलमी की तरफ से खबर आ रही है और बस दो दिन और है दोस्तों रियलमी X2 Pro इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। और ऑनेस्टली कहूं तो मैं रियलमी X2 Pro के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। आज से उनका कुछ ब्लाइंड सेल भी चल रहा था, तो आप जा सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 855 यूजर्स है, उन्हीं को यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। वैसे दोस्तों एक सीन हो गया माधव शेठ के साथ में, उन्होंने एक नया ट्वीट किया था रियलमी 3 और वगैरह से रिगार्डिंग, और उस ट्वीट के अगर आप नीचे देखते तो लिखा है ट्विटर फॉर आईफोन। जी हाँ, आईफोन से ट्वीट करते हुए माधव शेठ रंगे हाथों यहां पर पकड़े गए। अब ये चीज हो जाती है दोस्तों, बड़े बड़े लोगों के साथ में हुई है, माधव शेठ के साथ में भी हो गई है, कि हो सकता है कि भाई वो पर्सनली आईफोन यूज करते हैं, क्योंकि फिर सवाल उठता ना, कह रहे भाई ये तो रियलमी वाले आईफोन कैसा इस्तेमाल करते हैं, ये पहली बार नहीं है, बड़े बड़े लोगों के साथ में हो चुका। अब इनका रीजन क्या है, उन्होंने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन पकड़े तो गए, अब उसके बाद वो क्या जवाब देते ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे दोस्तों लगे तो रियलमी ने यहां पर एक नया पेटेंट फाइल किया है अपने 5G स्मार्टफोन से रिगार्डिंग। जी हां, रियलमी 5G करके आप इस पेटेंट में क्लियरली देख सकते हैं। मुकुल शर्मा ने यहां पर ट्वीट किया है और इससे यह पता चलता है कि रियलमी वाकई में 5G पर काम कर रहा है, मतलब अपने स्मार्टफोन पर काम कर रहा है, जो इस साल या फिर शायद फर्स्ट वीक ऑफ 2020 में आपको देखने को मिल सकता है। और यह पेटेंट वो पूरी तरीके से कंफर्म कर रहा है, मुझे लगता है कोई एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन ही होगा रियलमी का जो 5G के नाम से आएगा, मतलब 5G लगा के आएगा। अब ये तो जब आएगा तो ही मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। वैसे दोस्तों रेडमी K30 और K30 प्रो से रिगार्डिंग वापस से मुकुल शर्मा ने ट्वीट जो वो शेयर किया, आप देख सकते हैं, जिस पर उन्होंने एक फोटो शेयर किया जहां पर आप देखेंगे एक फोन है जिसमें आपको डुअल पंच होल सेल्फी जो वो दिखाई दे रहा है, और उन्होंने बताया कि ये K30 या फिर K30 प्रो जो वो हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक लीक के द्वारा मुझे पता चल रहा है कि जो रेडमी का K30 प्रो आएगा ना, वो भी सेम होगा, सेम डिजाइन पर होगा, सिर्फ आपको थोड़े बहुत चेंजेस उसमें जो देखने को मिलेंगे, तो उसमें भी आपको डुअल पंच होल सेल्फी मिलेगी रेडमी K30 जैसा ही। क्योंकि रेडमी K20 भी उठा लो तो K20 प्रो के अंदर डिजाइन में डिस्प्ले में तो कोई फर्क नहीं था, बस इंटरनल हार्डवेयर में थोड़े बहुत आपको चेंजेस देखने को मिले थे, और K30 Pro में भी आपको कुछ वैसे ही मिलेगा। ये कुछ खबरें निकल कर आई है, अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ये तो हमें फर्स्ट हाफ 2020 में ही जो वो पता चलेगा। तो आज की रेड न्यूज़ में खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की रेड न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।